जय टीवी भारत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में मिट्टी में दबने से 3 मजदूरों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। जमीन घोटाला मामले में आरोपी हिलेरियस कच्छप की मौत, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ थे अभियुक्त, हिलेरियस लंबे समय से थे बीमार। पूर्व विधायक पॉलिस सोरेन और उग्रवादी जेठा कच्छप को आजीवन कारावास, दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने ठहराया दोषी, 11 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम। कल्पना सोरेन ने गांडे में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा परिवार में झगड़ा लगाकर घर में घुसी, वे पिता को बेटे से और भाई को भाई से लड़ाने में लगी है। भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी ने किया चुनाव प्रचार, कहा हर तरफ मोदी की लहर से विपक्ष में घबराहट, राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह। भारतीय एकता पार्टी ने किन्नर सुनैना सिंह को बनाया उम्मीदवार, पहले सुनैना ने निर्दलीय लड़ने का किया था ऐलान, बीजेपी उम्मीदवार डुल्लू महतो से होगी टक्कर। हजारीबाग में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, एनएम पर लगाया लापरवाही का आरोप। दो गुटों में झड़प के बाद बड़कागांव में व्यापारी प्रतिष्ठान बंद, मंगलवार को तरस यात्रा के दिन हुई थी अनबन। धनबाद में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष ने लगाया एसिड से हमले का आरोप, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। रामगढ़ में देसी पिस्टल, कट्टा और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, बड़ी वारदात को देना चाहता था अंजाम, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।